हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कोटा कचौरी। तो देखिए ये क्या क्या मसाले लिए हैं, पहले बता देते हैं। ये हमने धनिया लिया है, सौंफ, बेसन, काली मिर्च, ये लाल मिर्च है कलर के लिए, हींग हमने यूज़ की है, ये देखिए हींग है, फिर ये उड़द हल्दी, नमक, ये उड़द दाल को हमने भिगो के रात भर निकाल के ड्रेन कर लिया था। ये सूखे मसाले जो मैंने दिखाया आपको, काली मिर्च, ये सब पीस के रख लेंगे। ये उड़द दाल को हमने पीस लिया है। आइए पहले हम थोड़ा मसाला बना लेते हैं। ये तेल पे हमने डाली हींग। फ्रेंड्स, हींग थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि इसका ही सारा मज़ा है। ये जो मैंने स्पाइसेस किए थे, धनिया, काली मिर्च और सौंफ, इन सबको इसमें डाल दिया मैंने। ये ग्राइंड करे हुए मसाले हैं जो पहले थोड़ा रोस्ट करके हमने ग्राइंड कर लिए थे। अब इनको थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने उड़द दाल जो रात भर भिगोई थी उसको पीस लिया है। थोड़ा दरदरा रखना, बिल्कुल सॉफ्ट मत करना। देखिए हमने मिक्स कर लिया इसमें। अभी हमने डाला नमक। फ्रेंड्स, ये बहुत ड्राई सा होता है तो आप घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपनी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ये हल्दी डाल दी है। अगर आप घी कम यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे तो आप गहरे बर्तन में यूज़ कर सकते हैं कि आपको पलटने में आसानी हो। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, जो उसमें कलर आता है। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया। और इसमें हमने फ्रेंड बेसन डाल दिया है। ये बेसन से डालते हैं, एक तो इसमें ड्राइनेस, अगर कोई मॉइस्चर हो उसको ड्राई करने के लिए, ऊपर से थोड़ा ये एक अलग बाइंडिंग देता है, तो एक अलग ही टेक्सचर, बाइंडिंग और आपको सब चीज़ मिल जाता है ड्राइनेस। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया, इसको साइड कर लेते हैं अभी हम। आइए अब हम मैदा गूंथते हैं। ये मैदे में हमने नमक डाला। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपका ये थोड़ा नमक डालने का, मैंने इसमें घी डाला। हमें इसे मोइन करना पड़ता है, तो मोइन करने के लिए थोड़ा घी डालते हैं, जिससे इसका जो क्रस्टी और फ्लफी बोलते हैं ना, फ्लेकी जो बाहर का टेक्सचर आता है और जो सॉफ्टनेस सी होती है, वो घी से आती है। तो घी ये आप लोग डालडा भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने घी यूज़ किया फॉर द मोइन। तो इसमें हम थोड़ी देर पहले घी को पूरी अच्छी तरह सारे आटे में मल लेंगे। ये देखिए हमें आटे को ना ऐसे एक बॉल बना के देखना है कि वो बॉल बन रही है कि नहीं बन रही, हाथ में लेके देखिए ऐसे करके। अगर आपको लगता है कि थोड़ा इजी नहीं बन रही है, टूट रही है, तो आप थोड़ा मोइन और डाल सकते हैं और उसको कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के अब इसको गूंद लेंगे अच्छी तरीके से मैदे को, और एक डो बना लेंगे। हम थोड़ा टाइट सा डो बनाएंगे इसका। फ्रेंड्स, ध्यान रखना जो आटा आप इसका गूंदेंगे ना, थोड़ा टाइट सा गूंदना। मेरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, अभी मैं हालांकि करूँगा, लेकिन सर पूरी के लिए हम करते हैं ना आटा टाइट सा, वैसा करना है, सो दैट थोड़ा ये क्रिस्पी बने। आइए अब आपको बना के दिखाते हैं। ये मैंने एक गोली बना दी। अभी हमने दोस्त के घर चले गए हूँ सामान लेके, हमने कहा वहीं बनाते हैं और साथ में खाएंगे। इसको हमने ऐसे गोली एक पेड़ा बना के और ये हमने एक बैटर इसके अंदर ऐसे भरा और ऐसे दोबारा गोला बना के ऐसे और एक गोला बना के उस पेड़े को हम हाथ से ऐसा बेल देंगे। अगर आपको चकला बेलन यूज़ करना है तो कर सकते हैं, छोटी कचौरियाँ बनती है तो हाथ से ही हो जाता है। थोड़ा बहुत फट भी सकती है अगर आपका वो हो तो, स्टफिंग पे डिपेंड होता है आप कितना करते हो। तो देखिए मैंने कुछ 3-4 बना के रख दिए हैं, तेल गरम हो गया है। फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें जो इसमें याद रखने के लिए, कि एक तो आपको इसका जो आटा है वो थोड़ा टाइट गूंदना पड़ेगा, और दूसरा जब आप इसको फ्राई करें तो पहले तेल गरम हो जाए, उसके इसको ठंडे तेल पे, मतलब नॉर्मल जो आपका गैस का टेम्परेचर है, फ्लेम है, उसको लो कर दीजिए। इसको लो में धीरे धीरे पकाना है, क्योंकि तभी वो थोड़ा क्रिस्पी जो होता है ना, क्रिस्पीनेस वो आएगा। ये देखिए कचौरी बनके तैयार हो गई है, कलर बहुत अच्छा आया। थोड़ा जो इसमें मुझे कमी लगी हुई है, थोड़ा फ्लेकीनेस कम था, मतलब बोलते ना हार्डनेस, वो थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जो अंदर का मटेरियल था, फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी खिलाया है तो सबको बहुत अच्छा लगा ये। तो बस आप थोड़ा आटा टाइट गूंदें और इसको हल्के टेम्परेचर में पकाएं। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई है, आप ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए। प्लीज़ सब्सक्राइब, वॉच एंड लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए,
सो दैट मैं अच्छी वीडियोज़ और बना सकूँ। और बिल्कुल ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।